हेलो गाइस, मैं हूं विकास। और जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था, एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का 6 GB वेरिएंट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो फाइनली वो लॉन्च हो गया है 26 जुलाई को। और फाइनली मैंने आपसे कहा था कि मैं भी खरीदूंगा और आपको अनबॉक्सिंग वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास है वही एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 6 GB वाले वेरियंट का बॉक्स। और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर बॉक्स है। तो साइड में लिखा हुआ है वी लव फोटो, क्योंकि इसमें इम्प्रूव कैमरा मिल जाता है हमको ये वाली डिवाइस में। और पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ हाइलाइट्स जो फ़ोन के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ नीचे पे दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिल जाती है। साथ ही मिलता है स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर और 6 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपका 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। साथ ही आप देख सकते हैं बाकी कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर। तो ब्लैक कलर में मैंने इसको खरीदा है, जैसा कि मुझे पसंद है। और यहाँ पर 6 GB की रैम मिलती है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है इम्प्रूव्ड कैमरा, जो कि फ्रंट में आपका है 16 MP और बैक में आपका 16 MP प्लस 5 MP। तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स है। और चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं फ़ोन के अंदर हम बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर है ये चाकू, हालांकि चाकू खाने वाला है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, खोलने के काम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी ये जो फिल्म ऊपर लगी हुई है इसको निकाल लेते हैं, रैपिंग। तो इसको हमने दिया है निकाल और रख लेते हैं इसको साइड में। और ये कुछ इस तरह का हमारा बॉक्स है। और चलिए निकालते हैं अपने स्मार्टफोन को बाहर। तो यहाँ से हम इसको धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचेंगे और ये हमारा बॉक्स बाहर पूरी तरह से खुल चुका है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वी लव फोटो। तो चलिए इसको भी फ़िलहाल उठा करके यहाँ से निकाल लेते हैं। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा हैंडसेट, जो कि मेन चीज़ है इस बॉक्स के अंदर। और इसी का आप लोगों को, मुझे और बाकी काफ़ी सारे लोगों को भी इंतज़ार था। तो फ़िलहाल रख लेते हैं इसको नीचे की तरफ और देखते हैं बॉक्स में बाकी क्या कंटेंट्स मिलते हैं। तो इसको ज़रा कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर आपको मिलता है USB 2 माइक्रो USB का एक डेटा केबल। साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है एक अडाप्टर। तो अडाप्टर देखते हैं क्या पावर सपोर्ट करता है इस पर, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ, ये इधर की तरफ है, ये मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5V 2A का ये चार्जर है। तो फास्ट चार्जिंग हालांकि नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, ये भी लगभग 2 से 2.5 घंटे में आपके फ़ोन को फुल करने के लिए इनफ होता है। और साथ ही इस फ़ोन के अंदर जो स्पेशल चीज़ होती है वो ये है इस फ़ोन का मैक्स बॉक्स। तो यहाँ पर आप इस मैक्स बॉक्स को इस तरह से रख सकते हैं और यहाँ पर आप लगाएंगे अपना स्मार्टफोन कुछ इस तरह से, तो आपके फ़ोन के जो स्पीकर्स होंगे उसकी वॉल्यूम थोड़ा सा बूस्ट होकर के यहाँ नीचे से निकलेगा। तो ये एक स्पेशल चीज़ है जो एसुस ने अपने फ़ोन के साथ में दी है। तो वापस से इसको रख लेते हैं बॉक्स में और बाकी की चीज़ें भी, और देख लेते हैं ये वाला पार्ट, इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पीछे की तरफ से, तो इसके साथ में हमको मिलता है सिम इजेक्टर टूल, तो ये काम आने वाला है हमारे। और साथ ही यहाँ पर है कुछ पेपर वर्क और आपका वारंटी कार्ड वगैरह, कुछ यूज़र मैनुअल्स भी। और साथ ही यहाँ पर हमें मिलता है एक ट्रांसपेरेंट केस, यानी कि आप बोल सकते हैं TPU केस। तो ये भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये कंपनी की तरफ से आता है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इसकी रहने वाली है। तो बाकी चीज़ों को करते हैं फिलहाल साइड में और फोकस करते हैं अपने स्मार्टफोन पर। तो ये हमारा स्मार्टफोन, अब चलिए स्मार्टफोन को लेते हैं निकाल। तो ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक है स्मार्टफोन की, और ये स्मार्टफोन की बैक साइड। तो चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ इस फ़ोन का। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फ़ोन में आपको 6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसका के स्क्रीन रेशियो है 18:9 का। और साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। यहाँ की तरफ आपको मिलता है राइट साइड में एक LED फ्लैश, सॉफ्ट LED फ्लैश है। और साथ ही यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ बेसिक सेंसर्स, ये आपका ईयर पीस। और पीछे की तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्यूअल रियर कैमरा, जो कि एक है आपका प्राइमरी कैमरा 16 MP का, साथ ही जो आपका सेकंड कैमरा है वो है यहाँ पर 5 MP का। साथ ही आपको मिलती है सिंगल टोन LED फ्लैश। और नीचे की तरफ मिलता है आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ आपको दी जाती है एसुस की ब्रांडिंग, यानी कि एसुस का लोगो। यहाँ पर आपके कुछ IMEI मॉडल नंबर वगैरह वो सब चीज़ें हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और आपका पावर ऑन ऑफ बटन। चलिए इसको बूटिंग पे लगाते हैं ताकि ये बूट भी हो जाए और मैं आपको बाकी की चीज़ें भी बता दूं। तो ये आप देख सकते हैं बूटिंग पे मैंने इसको लगा दिया है। और देख लेते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे मिलती है एक ट्रे, जहाँ पर हम अपने सिम कार्ड वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, साथ ही एक माइक्रोफोन, USB पोर्ट और एक स्पीकर।
फ़ोन में ऊपर की तरफ ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ आपको मिलता है नॉइस कैंसलेशन माइक। और चलिए ज़रा एक बार मैं आपको इजेक्ट करके दिखा देता हूँ इसकी सिम ट्रे, आखिर वो एक मेन चीज़ है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ अपना सिम इजेक्टर टूल। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटा सा है। तो चलिए इसको लगाते हैं और इजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है डेडिकेटेड स्लॉट, यानी कि आप दो नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस डिवाइस की। मोस्टली फ़ोनों में आपको हाइब्रिड मिलता है, तो वहाँ पर आप सिर्फ दो ही चीज़ें लगा पाते हैं, और ऐसे में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने एसडी कार्ड या फिर अपने एक सिम कार्ड को लेकर के। तो चलिए फ़िलहाल कर लेते हैं डिवाइस को सेटअप, और बाकी के स्पेसिफिकेशन जैसा कि मैं हर बार आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो फिलहाल कर लेते हैं इसको सेटअप जल्दी जल्दी। ये इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट, सेटअप एज ए न्यू। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ अपना नेम, और ये नो थैंक्स, स्किप एनीवे। तो ये कुछ एसुस का अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए, तो फ़िलहाल इसको हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए डायरेक्टली सेटअप कर लेता हूँ, और ये हमारा डिवाइस फाइनली बूट हो चुका है। और आप देख सकते हैं स्टॉक एंड्रॉयड इसका यूआई है, कोई भी ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको यहाँ पर फालतू नहीं मिलते। हालांकि एसुस ने कुछ ऐप्स दी हैं, लेकिन वो भी यूज़फुल ऐप्स हैं एसुस की तरफ से, जैसे कैलकुलेटर, साउंड रिकॉर्डर और एफएम रेडियो। तो फालतू के कोई भी ऐप्स आपको नहीं मिलते हैं, बिल्कुल प्योर इंटरफेस मिलता है। और साथ ही मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड वर्ज़न भी। तो चलते हैं सिस्टम में, और सिस्टम में चल करके अबाउट फ़ोन एंड्रॉयड वर्ज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.1, और साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो 8.1 का सपोर्ट, तो जो कि लेटेस्ट है। और साथ ही यहाँ पर आपको आने वाले समय में एंड्रॉयड पी, एंड्रॉयड क्यू वगैरह के भी अपडेट्स मिलने वाले हैं, जैसा कि एसुस ने बताया था। हालांकि कोई भी इसको नहीं बताते हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है। और साथ ही एसुस ने कुछ अपडेट्स वगैरह भी दिए थे इस डिवाइस के लिए, तो वो भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और चेक करा देना चाहता हूँ, यहाँ पर फ़ोन का फिंगरप्रिंट। और चलते हैं अपने सिक्योरिटी में, तो ये आई एम सिक्योरिटी, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट। तो नेक्स्ट, अब फ़िलहाल के लिए हम अपना पिन, ये पैटर्न रख लेते हैं यहाँ पर छोटा जेड, और सो ऑल नोटिफिकेशंस टच द सेंसर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को सेटअप। तो ये हो चुका है सेटअप, और इसको कर लेते हैं फ़िलहाल लॉक। और अब देखते हैं, ये मैंने किया इसको टच, ये हो गया अनलॉक, ये मैंने किया इसको टच और ये अनलॉक। तो जैसा कि आपने बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, फिंगरप्रिंट हल्का सा स्लो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी स्लो नहीं है। जब से कुछ अपडेट्स मिले हैं तब से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ गई है, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की इसको ज़रूरत है। तो ये मैंने यहाँ पे किया टच, और ये देखिए ये टच और ये अनलॉक। तो थोड़ा सा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा नहीं। और फेस अनलॉक भी देखते हैं एक बार कैसे काम करता है। तो फेस रिकॉग्नाइजेशन, तो फिलहाल मैं कर लेता हूँ फेस को अपने को ऐड। तो मेरा फेस यहाँ पर हो चुका है फ़ोन के अंदर ऐड, और अब देखते हैं फ़ोन को अनलॉक करके। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फ़ोन के सामने हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमारा जो फेस अनलॉक है वो काम कर रहा है। तो ये है हमारा एसुस का वेरिएंट, और 6G वाला वेरिएंट। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इस फ़ोन का कैमरा। तो कैमरा के लिए हम फ़िलहाल में लेते हैं फ़ोन का बॉक्स, और यहाँ पर ओपन करते हैं अपना कैमरा, और ये देखिए ये कुछ। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन हमें कैमरा मिलता है, और ये हमने यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर किया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये फ़ोटो। तो फोकस हो जाए एक बार, ये देखिए फोकस हो गया है, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। तो देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है, जैसा कि हम इम्प्रूव कैमरा देखते हैं उस हिसाब से काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और नॉइस की अगर बात करें तो फोटो में हमें नॉइस देखने के लिए नहीं मिलता। तो यही था एसुस ZenFone Max Pro M1 का 6GB वेरिएंट विद इम्प्रूव कैमरा एंड 6GB रैम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।
जब वीडियो बनानी शुरू करा। Close till I get up, time is barely on our side.